न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटमिनस मिनरल्स एंड वाटर ये मेज़र टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों जरूरी हैं क्योंकि ये हमारे भोजन हैं यानी कि ये हमारे फूड हैं और इसी से हमारा बॉडी सस्टेन करता है कार्बोहाइड्रेट और फैट को एज अ एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं और बॉडी में जो हमारा बायोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो प्रोटीन विटमिनस मिनरल्स और वाटर के थ्रू होता है आज हम इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के बारे में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है और इनका जो रेशियो होता है वन इज टू टू इज टू वन के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप कॉल्ड एल्डोज एंड विथ कीटोन ग्रुप कॉल्ड कीटोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के दो ग्रुप होते हैं एक है एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा है कीटोन ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप को एल्डोज कहते हैं और दूसरे ग्रुप को जो कीटोन ग्रुप है इसे कीटोज कहते हैं तो जदि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा कि एल्डोज जो है किससे रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट से फैट से प्रोटीन से विटामिन से सो आंसर इज कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है एल्डोज उसी तरह से रेशियो पूछा जाता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है is to is to के फॉर्म में है यानी कि कहीं पर भी जब फार्मूला होगा कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ इस तरह से होगा जैसे सी सिक्स एस टूल्व ओ सिक्स के फॉर्म में होगा यानी कि वन इज टू टू इज टू वन के फॉर्म में होगा कार्बोहाइड्रेट्स डिराइव ऑफ पोले हाइड्रोक्सी अल्कोहल पोले हाइड्रोक्सी अल्कोहल से कार्बोहाइड्रेट्स ड्राइब्स होता है ये भी पॉइंट याद रखना होगा आपने को अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के इसके टाइप होते हैं कार्बोहाइड्रेट के नंबर फर्स्ट है मोनोसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड और थर्ड है पोलीसेकेराइड मोनेसेकेराइड्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आते हैं ग्लूकोज इज़ हेक्सोज़ सुगर और जो सबसे स्वीटेस्ट सुगर होता है वो फ्रुक्टोज होता है हम लोगों से पूछा जाता है कि सबसे स्वीटेस्ट सुगर कौन सा है सो आंसर इज़ फ्रुक्टोज बार बार क्वेश्चन आता है इसमें मोनोसेकेराइट्स का मतलब होता है कि वन कॉम्बिनेशन मोनो का मतलब वन होता है ओलीगोसेकेराइट का मतलब है जहाँ पे दो या दस के आसपास जो मोनोसेकेराइट्स कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन करके जब बनेंगे उसे ओलिगोसेकेराइड्स कहेंगे जिसमें माल्टोज सुक्रोज एंड लेक्टोज आता है और पोलेसेकेराइड्स जो है ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स को ज्वाइन करके बनता है यानी कि 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स जहाँ पर ज्वाइन होते हैं वहाँ पे पोलेसेकेराइड्स बनता है और ये इन एंड टेस्टलेस होता है जिसमें कि स्टार्च ग्लूकोजेन सेलुलोज चिटेन ये सब आता है हम देख रहे हैं कि जो शुगर की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा मोनोसेकेराइट्स में होती है उसके बाद ओलीगोसेकेराइट्स में उससे कम होती है और पोलेसेकेराइट्स में तो शुगर मतलब कि टेस्टलेस्ट होता है यानी कि शुगर की जो मात्रा सबसे कम किसमें होगी पोलेसेकेराइट्स में और सबसे ज़्यादा कहाँ होगी मोनोसेकेराइट्स में इसीलिए जो सबसे स्वीटेस्ट जो शुगर है वो फ्रुक्टोज होता है और फ्रुक्टोज जो है वो एग्ज़ाम्पल है मोनोसेकेराइट्स का नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वर्क एज अ फ्यूल ये एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है जैसे कि रिस्प्रेशन यानी कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज जो है ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में जिससे कि एनर्जी रिलीज होता है वन ग्राम ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में होता है तो उससे 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये तो किसी मार्केट में मिलता नहीं है किसी दुकान पर तो बिकता नहीं है तो इसका सोर्स होगा तो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है वीट मेच राइस पोटैटो एटसेट्रा अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्वीट होता है यानी कि जो खाद्य पदार्थ स्वीट होंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगी नाव मूव फैट्स फैट्स जो है कार्बोहाइड्रेट की ही तरह है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट से वो डिफरेंस देखते हैं वो क्या है इज एन ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फैटी एसिड एंड ग्लेस्ट्रोल से बना है फैट्स फैट्स जो है नॉर्मली जो सॉलिड होता है बीस डिग्री सेंटीग्रेड पर बीस डिग्री सेंटीग्रेड पर फैट जो है सॉलिड होता है लेकिन यदि बीस डिग्री पर या बीस डिग्री से नीचे पर जो फैट है वो लिक्विड फॉर्म में है तब उसे ऑयल कहेंगे यह भी फैट जो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है डिफरेंट क्वांटिटीज में यहां पर इसका कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होता है जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा कि वन इज़ टू टू इज़ टू वन के फॉर्म में होता है रेशियो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लेकिन फैट में ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बने होते हैं लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन का वैल्यू होता है वो कार्बोहाइड्रेट से कम होता है फैट के टाइप देखते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं अन और सेचूरेटेड फ़ैट सेचूरेटेड फ़ैट में केवल कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल आता है ये याद रखना होगा और जितने सारे और जो ऑयल हैं जैसे फ़िश ऑयल है वेजिटेबल ऑयल है ये सब अन के एग्जाम्पल है तो फैट टू टाइप्स के होते हैं अन एंड सैचरेटेड सेचूरेटेड फ़ैट में केवल दो होते हैं एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल और और जितने सारे ऑयल हैं वो फिश ऑयल हो या वेजिटेबल ऑयल हो या और भी डिफरेंट टाइप्स के ऑयल हो वो अन फ़ैट में आ जाएंगे नेक्स्ट वन ग्राम फैट जब हमारे बॉडी में होता है तो इससे नाइन पॉइंट थ्री किलो कैलोरी एनर्जी पैदा होती है तो यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है या फिर फैट से सो so आंसर है फैट से क्योंकि वो तो फोर पॉइंट टू ही किलो कैलोरी मिल रही थी वन ग्राम कार्बोहाइड्रेट से यहाँ पर डबल जो है रिलीज होता है एनर्जी फैट से और दोनों हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो हैं वो एनर्जी के लिए जरूरी है ह्यूमन गेट एनर्जी फ्रॉम हमें बॉडी में अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का क्या काम है एनर्जी की तरह यूज होता है ये दोनों जो तो एक ह्यूमन बींग्स को जब एनर्जी चाहिए हंड्रेड परसेंट एनर्जी में फैट से बीस से तीस परसेंट एनर्जी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से सत्तर से अस्सी परसेंट जो हमारा एनर्जी होता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है फंक्शन ऑफ फैट्स देख लेते हैं प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इंजरी लॉस ऑफ हीट प्रिवेंट यानी कि प्रिवेंट करता है हीट का हमारे बॉडी से लॉस नहीं करने देता है इसीलिए जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं वो ज़्यादा फैट लेते हैं मेक फूड टेस्टी फूड को टेस्टी बनाता है यदि एक्सेसिव फैट होता है हमारे बॉडी में तो ये हार्ट डिजीज़ करेगा और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा तो अभी तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट के बारे में जाना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटीन विटामिन मिनरल्स एंड वाटर के बारे में जानेंगे सो थैंक्स एंड टेक केयर